वेलकम दोस्तों क्रिक फाइन से लीग में आपका स्वागत है दोस्तों हम जिस मैच को कवर करेंगे वो है सीरिया का मैच मिलान वर्सेस कैगिलियरी ये मैच थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि आ, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमको ड्रॉप करने करना पड़ सकता है यदि इब्राहिमोविक खेलता है दोस्तों तब बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है तो थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना मैच मिलान विन करेगा और एक स्टैट्स है दोस्तों चार मैच जो आ, लास्ट का खेला है मिलान अगेंस्ट कैगलारी बिना गोल के कैगलारी लॉस किया है मतलब कैगलारी गोल ही नहीं कर पाया तो थोड़ा ये सारे स्टेट्स जो हैं बताते हैं प्लस मिलान का पॉइंट टेबल दोस्तों पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पे है वहीं कैगलियारी की बात करें तो सोलहवें पोजीशन पे है मिलान की बात करें दोस्तों तो बहत्तर गोल किए हैं इकतालीस गोल कंसीट किए हैं वहीं कैगलियारी की बात करें फोर्टी थ्री गोल किए हैं फिफ्टी एट गोल कंसीड किए हैं अगर अटैक की बात करें तो मिलान बहुत ऊपर है वहीं डिफेंस की बात करें तब भी मिलान बहुत ऊपर है क्लियर फेवरेट मिलान होगा बट क्लीन सीट होगा नहीं होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फिर भी हम लोग स्पेशली हेड टू हेड या स्मॉल लीग में एज अ क्लीन सीट एक्सेप्ट करेंगे क्लीन सीट जाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन दोस्तों कैगलियारी के पास कुछ ऐसे डिफेंडर हैं जिनसे गोल स्कोरिंग थ्रेड रहने वाला है तो अगर आप चाहो बचना है तो जी में ऐसे प्लेयर को यूज कर सकते हो ये चीज़ें इस मैच में स्पेशली अच्छा हो सकती है बात करेंगे दोस्तों रिसेंट फॉर्म की तो मिलान जो लास्ट पाँच गेम खेला है दो लॉस किया है वहीं पे थ्री विन किया है और कैगलियारी की बात करें लास्ट फाइव मैचेस जो खेला है दो ड्रॉ किया है थ्री विन किया है ये लॉस किए हैं ये विन किया है ये विन किए हैं और ये ड्रॉ किए हैं तो दोस्तों अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो कैगलियारी का, का रिसेंट फॉर्म वेटर है आ, अगर कंपेयर करें मिलान से तो बट मैं जैसा बोला दोस्तों कि मिलान इस मैच में फेवरेट होने वाली है स्पेशली हेड टू हेड में स्मॉल लीग में अब बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स के बारे में तो मैं दो टीमें बनाया हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एक टीम है यहाँ पे इब्राहिमो खेलते हैं तब अगर वो नहीं खेलते तब ये टीम बिना इब्राहिमोविक के है और वहीं एक टीम में इब्राहिमो मोविक अगर स्टार्ट करते हैं तो उनको लेके बनाया है बात करते हैं दोस्तों यहाँ से इब्राहिमोविक मोविक को जो रख के टीम बनाया है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जापा के साथ गया हूँ डिफेंस सेक्शन सबसे पहले गोलकीपर की बात करते हैं गोलकीपर दोस्तों मिलान ये मैच होम में खेलेगा तो होम एडवांटेज मिलान को होने वाला है वहीं पे कैगलियारी की बात करें अवे खेलेगा तो आप चाहो तो क्लियर कट फेवरेट मिलान जा सकते हो रिक्स ही होगा थोड़ा सा होगा दोस्तों हंड्रेड में मान के चलो लगभग ट्वेंटी परसेंट रिक्स होगा अगर फैंसी में हम ट्वेंटी परसेंट रिक्स नहीं लेते दोस्तों तो हम विन ही नहीं कर पाएंगे ये बात भी याद रखना मुझे ऐसा लगता है ये मैच क्लीन सिट होना चाहिए क्योंकि डिफेंडर काफ़ी अच्छे हैं आ, मिलान के वहीं पर बात करें दोस्तों डिफेंस डिफेंडर की तो मैं चार डिफेंडर के साथ स्पेशली जाना चाहता हूं वो भी पूरे के पूरे मिलान के बट दोस्तों चार यहां पे हो गए दो छः अगर यहां पे इब्राहिमोविक खेलता है तो सात प्लेयर हो जाएंगे मैं रेबिक को ड्रॉप भी नहीं करना चाहता क्योंकि रेबिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और मिलान को अगर टफ फोर में रहना है तो मैचेस विन करने होंगे तो मिलान पूरी कोशिश करेगा अटैक पर जाएगा तो चांसेस हैं कि रेबिक गोल कर जाए रेबिक की बात करें दोस्तों तो ग्यारह गोल चार असिस्ट है वहीं पे इब्राहिमोविक की बात करें तो इन्होंने पंद्रह गोल दो असिस्ट किया है एज अ कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंडर की डिफेंडर की बात करें जैसा मैंने बताया कि मैं चारों डिफेंडर के साथ जाना चाहता हूँ स्पेशली मिलान के बट अगर इब्राहिमोविक नहीं खेलते तभी ये पॉसिबल होगा फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिक्स ही होगा तीन डिफेंडर अब लीग दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे तीन डिफेंडर के साथ जा सकते हो स्पेशली मैं बोलूँगा आप ऐसे डिफेंडर को ट्राई करना अगर डिफेंस सेक्शन से ट्राई ही करना चाहते हो स्पेशली कैगलियारी के तो ऐसे डिफेंडर को ट्राई करना जिनसे गोल स्कोरिंग थ्रेड रहना हो सकता है जैसे जापा दोस्तों जापा की बात करें तो ये बंदा राइट बैक खेलेगा प्लस चार असिस्ट है असिस्ट पोटेंशियल इसका बहुत हाई है इसके साथ साथ मैं एक प्लेयर का और नाम लूँगा दोस्तों यहाँ पे है लिको गियानिस लिको गियानिस अगर दोस्तों स्टार्ट करता है लिको गियानिस की बात करें चार गोल दो असिस्ट मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ लेफ्ट बैक खेलते हुए दिख जाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये तीन डिफेंडर आपकी टीम में होंगे होने ही चाहिए इसके अलावा दोस्तों अगर टोमोरी स्टार्ट करते हैं टोमोरी की बात करें सेंटर बैक खेलेंगे एक गोल है ठीक ठाक प्लेयर है बट उनको तभी ट्राई करना जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्लीन सिट होगा तो बात करें दोस्तों यहाँ पे यहां से बात करेंगे अब दोस्तों मिड सेक्शन से मिड सेक्शन से यहां से हकान की बात करें दोस्तों तो ये आप देख सकते हो मस्ट पिक ऑप्शन होने वाले हैं स्पेशली अगर इब्राहिमोविक नहीं खेलता दोस्तों तो एज ए कैप्टन आप इनको साथ भी जा सकते हो एफ की बात करें मस्ट पिक ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों हिट और मिस टाइप के हैं बट सबसे बड़ी बात केसी के लिए है डिफेंसिव मिड खेल रहे हैं दोस्तों तो डिफेंस, डिफेंसिव पॉइंट आप आपको दे सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा रिक्स लेना है तो केसी के प्लेस पे यहां पे आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों तो यहां पे आप जा सकते हो एक प्लेयर है कैस्टी लेजो के साथ यह प्लेयर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस मैच में अच्छा कर सकता है लेफ्ट विंग खेलते हुए दिख जाएंगे आपको एक गोल कर चुका है बंदा तो अगर थोड़ा सा रिक्स लेना है तो ये सारे रिक्स आप ले सकते हो स्पेशली जी में इनको जरूर ट्राई करना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आपको जाना ही चाहिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा रिक्स जो मैं यहाँ पे लिया हूँ नैन गोलान मेरी टीम में नहीं है नैन गोलान की बात करें तो इन ये बंदा दोस्तों डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी देता है बट डिफेंसिव मिट खेलेंगे तो हो सकता है दोस्तों डिफें, डिफेंस के काफ़ी सारे पॉइंट दे तो आप इनको अगर एडजस्ट कर सको तो किसी तरीके से कर लो बट मैं डिफेंडर की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ से हरमेंडेस को मैं बिल्कुल भी ड्रॉप करने वाला नहीं हूँ स्पेशली मैं इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करूँगा जो टीम का बेस्ट डिफेंडर है जिससे गोल स्कोरिंग थ्रेड भी रहने वाला है यहाँ से बात करें आप अगर यहाँ से ट्राई करना चाहते हो नैन गोलान को तो यहाँ पे आपको रिक्स लेना पड़, लेना पड़ेगा पेड्रो पे पेड्रो की बात करें दोस्तों तो पेड्रो सोलह गोल कर चुके हैं तीन असिस्ट है बंदे का दोनों टीमों में सबसे ज्यादा गोल स्कोर इसी प्लेयर का है तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना दोस्तों जो गोल स्कोर करता है है थोड़ा सा मुझे लगता है, रिक्स हो जाएगा तो मैं इसीलिए पेड्रो को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहता हाँ आप मारिन की बात करेंगे मारिन को मैं यहाँ पे रखा हूँ दोस्तों क्योंकि मारिन जो है यहाँ पे देखिए सिलेक्शन परसेंटेज सत्तर परसेंट है फिर भी मारिन की बात करें तो मारिन यहाँ पे आपको डिफेंसिव uh, मिड खेलते हुए दिख जाएंगे डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं अगर आपको ट्राई ही करना है तो मारिन के प्लेस पे आप नाइन गोलान के साथ जा सकते हो ऐसे करके जा सकते हो दोस्तों ये टीम मच बेटर है जो पिछली वाली टीम थी उससे वाइस कप्तान की बात करें तो वाइस कप्तान मैं इस टीम में नहीं दूंगा मेरे फर्स्ट चॉइस रेबिक होने वाले हैं स्पेशली इस मैच में वहीं पर सेकेंड चॉइस यहाँ से चोलांग गोलू होंगे सेकेंड चॉइस थर्ड चॉइस मेरे पेड्रो होंगे डिफेंस सेक्शन से बात करें हरमें हर्मेंडस की बात करें मस्ट पिक एज ए वाइस कप्तान आप इनके साथ भी जा सकते हो तो ये सारी चॉइसेस हैं अब बात करते हैं दोस्तों अगर इब्राहिमोविक नहीं खेलता है तब अपनी टीम कैसी होगी तब ये मेरी टीम होगी ये कुछ वेटर लग रही है अगर इब्राहिमोविक नहीं खेलता है तब रेविक मेरे वाइस वा, कप्तान होंगे यहाँ से हकान मेरे आ, कप्तान होंगे आप इनके साथ भी जा सकते हो बात करेंगे दोस्तों यहाँ से स्ट्राइकर में यहां से पेजो को आप एक या दो टीम में एज ए वाइस कप्तान जरूर ट्राई करना क्योंकि अगर गोल करना है कई लियारे को तो पेजो को गोल करना ही पड़ेगा नैंडेस की बात करें ये एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं स्पेशली जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो नैंडेस दोस्तों आपको इस मैच में राइट विंग खेलते हुए दिख जाएंगे तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ से मैं बात करूंगा स्पेशली दोस्तों फिर से यहाँ से यहां से मैं बात करूंगा स्पेशली कैस्टेलजो की फिर से एक बार मैं बोलूँगा दोस्तों एज अ वाइस कप्तान कप्तान आप इसको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं स्पेशली जेल में अगर आपको दोस्तों गोडिन को ट्राई करना है तो गोडिन के साथ जा सकते हो यहाँ पे क्रेडिट आपकी सेफ हो जाएगी तब आप नैंडेज के साथ भी जा सकते हो ऐसे करके खेल सकते हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अगर इब्राहिमोविक खेलता है तब तो आप इब्राहिमुक मोविक के साथ जा सकते हो ये सारे प्लेयर आपको डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी देंगे तो आप चाहो तो इस तरीके से भी अपनी टीम बना के खेल सकते हो तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको अपनी टीम दिखा दूँ ये मेरी पहली टीम है अगर यहाँ पे इब्राहिमोविक खेलते हैं तब मैं इस टीम के साथ जाऊँगा बस एक प्लेयर आपको डिसाइड करना है यहाँ जापा इसमें जो सबसे बड़ा रिक्स है वो है दोस्तों आ, क्या बोलते हैं नाइन गोलान का नाइन गोलान इस टीम में नहीं है आपको डिसाइड करना है पेड्रो या नाइन गोलान ये आपकी कॉल होगी सेकंड की बात करें दोस्तों तो सेकंड टीम अगर इब्राहिमोविक नहीं खेलता है तब ये मेरी टीम होगी ये टीम मुझे मज वेटर लग रही है पहले वाली टीम से तो अगर आपको जाना है तो जा सकते हो या अपने तरीके से चेंजेस भी कर सकते हो दोस्तों मैं फिर से बता दूं मुझे ऐसा लगता है ये मैच क्लीन सीट होना चाहिए बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लीन सीट एक डिफेंडर चाहिए या केसी को ड्रॉप करना है केसी को ड्रॉप करना एक बड़ा रिक्स हो सकता है तो आप जा सकते हो अगर केसी लगता है दोस्तों कि ये बंदा स्कोर नहीं करेगा तब आप यहाँ पे चार डिफेंडर ट्राई कर सकते हो हाँ मिनी जियर तीन मेंबर चार मेंबर में आप क्लीन सीट जाके ही खेलना केसी पे रिक्स ले लेना क्योंकि केसी की बात करें तो केसी डिफेंसिव मिड लिस्टेड है हो सकता है डिफेंसिव पॉइंट उतना ना दे स्पेशली इस मैच में जहाँ पे अटैकर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस होने वाली है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो फिर से आपको एक टीम दिखा दें ये मेरी सेकेंड टीम है और ये मेरी फर्स्ट टीम है आपको जिसके साथ खेलना है आप खेल सकते हो या अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हो तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड वेस्ट ऑफ लक थैंक यू